कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुज अत्री जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जो पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कि वहाँ के आपके अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपने ही विपक्ष पार्टी पर, जो ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं कि वो अडानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है, तो क्या विपक्ष आपस में लड़ती हुई दिख रही है? नहीं नहीं, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, ममता जी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा के रूप में है और बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने उनसे मांग की है, क्योंकि एक ये बहुत ही एक इस समय बहुत अहम विषय है देश के सामने, जो अडानी ग्रुप का जिस तरह से पतन हो रहा है, उनकी वजह से करोड़ों निवेशकों के जो है लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का जो है स्टॉक मार्केट में नुकसान हो चुका है। पूरा विपक्ष कांग्रेस के साथ एक आवाज़ में साथ खड़ा है, मांग कर रहे हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए। TMC के सांसद भी कांग्रेस के साथ पार्लियामेंट में साथ दे रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी ने मांग की है कि ममता जी को भी सामने आकर के बोलें तो इस बात पे बल मिलेगा, सरकार पे दबाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पे। हम पूरी तरह से, और ये कोई जिक्र निजे विषय नहीं है, कोई ये अधीर रंजन चौधरी जी के पैसे नहीं डूब रहे हैं या कोई कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के पैसे नहीं डूब रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी और खड़गे जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं संसद में, वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश के करोड़ों निवेशक और खासतौर से जिन्होंने LIC, जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी उनका 36,000 करोड़ रुपये LIC का डूब गया, 80,000 करोड़ रुपये स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का डूब गया, तो उनके निवेशकों का, हमारे देश की जनता का पैसा डूब रहा है, देश की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ रहा है, देश की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है, तो सब लोग एक आवाज़ में आ रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता उसमें बोल रहे हैं, तो उन्होंने भी, उनके लिए भी अपेक्षा की गई है कि आप भी बोलें तो अच्छा रहेगा। तो सर, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी की इस चुप्पी का कारण क्या है? देखिए, ये तो वही बता पाएंगे क्या कारण है, मैं कैसे कह सकता हूँ। उनके सांसद तो निश्चित तौर पर दिल्ली में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ममता जी को अभी विपक्ष के चेहरे के रूप में सामने आकर के बोलना चाहिए, बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए, और क्या कारण है इसका तो वही जवाब दे पाएंगे, मुझे तो पता नहीं। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस नेता अनुज अत्री जी। फिलहाल दिल्ली से नए न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।